सो वेलकम बैक। क्यों आई मिस कर? अभी फिलहाल सेला पास में, अभी ये गाड़ी में एक चेन कैसे बांधता आपको दिखाएगा हम। टाइट करने के लिए वैसे तो लॉक सिस्टम भी आता है, लेकिन बट मेरा जो चेन है वो है आपका नट सिस्टम वाला। सो उसको क्या करना पड़ता है कि एक 10 mm का एक नट मिलता है, तो उसको एक चेन से दूसरा चेन में लगा के उसको टाइटली नट से टाइट किया जाता है। देन सेम वही प्रोसीजर अलग वाला, मतलब दोनों दो एंड है, दोनों एंड पे नट से ही टाइट करता है। देन उसको फिर रबर बैंड से आगे आपको दिखाएगा ट्यूब से उसको बांध के टाइट कर देता है। तो ये सेम प्रोसीजर दूसरा टायर में भी, पहले चेक से उठाता है देन चेन बांधता है। चेन बांध दिया, देन इससे चेन को टाइट किया जाता है। तो इसके बाद में चेन को टाइट करने के लिए जो ये ट्यूब यूज़ कर रहा है, सो देट कि रस्सी से भी बांधा जाता है, लेकिन रस्सी से क्या होता है कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं होता रस्सी, तो उसके वजह से जितना टाइट से बांध दिया अदरवाइज फिर चेन लूज होते जाता है चलते चलते। लेकिन ट्यूब जो ऐसा नहीं है, ट्यूब क्या है कि आपका इलास्टिसिटी बहुत है, तो उसके वजह से ट्यूब मतलब चेन जितना चलेगा वो उतना ही तन के रखेगा उसको, उतना ही टाइट रखेगा। सो इट्स बेटर रिकमेंडेड आप ट्यूब से ही बांधें। सो यही छोटा सा एक टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे चेन बांधना है। यूजुअली बाकी सभी को पता है, आजकल तो 4x4 कार्स भी रहता है, फिर भी जिसके पास में नहीं है, सो दिस इज़ द ऑप्शन स्नो चेन्स को किस तरह से बांधें। एंड वेगनार विथ स्नो चेन्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। सो दिस वॉज ऑल, होप इससे कुछ आपको नॉलेज मिले। विंटर में कुछ ऐसा है, अब चलते हैं।